आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हमारे बच्चे की प्यारी सी स्माइल के साथ। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, किस लिए? मार्केट जाने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट में क्यों जा रही हूँ वो भी बता देती हूँ। मेरे ससुर जी उनके लिए कपड़े लाने हैं, और मेरे दादा ससुर के लिए भी मुझे कपड़े लाने हैं, दादी सास के लिए जो हम देते हैं वो वाले कपड़े। तो आज है पापा की बरसी की फातिया, तो फातिया का खाना मैं लौट कर आकर बनाऊँगी। पहले मैं जाऊँगी मार्केट, और तब तक उसमें खाने की प्रिपरेशन कर लेंगी। और आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और जिसने मुझे सलाम किया है उन सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो गाइज इसी तरह से मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहें, आपके प्यार और सपोर्ट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और जब आप लोग मेरे कमेंट में लिखते हो ना कि आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं और अच्छा व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, कि आपको देखने में अच्छा लगे, कि अपनी लाइफ का थोड़ा सा वक्त आप लोग मेरे लिए निकालते हैं और मेरा व्लॉग देखते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ। तो फिलहाल गाइज अभी ज़्यादा बात न करते हुए निकलते हैं मार्केट के लिए, बने रहे मेरे व्लॉग में। फिलहाल आज पापा की फातिया की तैयारियां करना है, तो फटाफट से करते हैं, लेट हो जाऊंगी नहीं तो। और हमारे जैद बाबू ने और मैंने पहने हैं सेम मैचिंग मैचिंग कपड़े, दिखाती हूँ अभी अपने जैद बाबू को। अली भैया ये आ गया मेरा शहजादा, मेरा राजकुमार, मेरी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, मेरा जैद। जैद इधर देखो, इधर देखो। तो गाइज मैंने भी आज न्यू कपड़े पहने हैं, क्योंकि आज मेरे दादाजी की फातिया है, इसलिए हम लोग 5वें रमजान पर पापा की बरसी की फातिया करते हैं। और हमारे जैद बाबू अभी अभी सोकर जगा है माशाल्लाह, मेरा लाडेशर। तो बस अभी मैं निकलती हूँ। जैद क्या हुआ, इधर देखो क्या हुआ आपको, क्या हुआ? हेलो कर दो, हेलो, हाय, हाय। गुच्छा नहीं गलती पाले बच्चे, गुच्छा नहीं गलती भैया, अभी मूड ठीक नहीं है। चलें चलते हैं। ये अभी हमारे यहाँ की जामा मस्जिद, हम आ चुके हैं मिठाई की दुकान पर, जहाँ से लेना है हमें पापा की फेवरेट मिठाई, जो पापा खाते थे वो वाली। तो गाइज इनके यहाँ की मिठाई पापा बहुत शौक से खाते थे और बहुत पसंद करते थे, और स्पेशली इनके यहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और पापा पेड़े बहुत पसंद करते थे। तो बस वो भी मुझे लेने हैं, और सारी मिठाई देखें लगी हुई है। तो बस अभी लेते हैं फटाफट से, और करते हैं भैया का पेमेंट, क्योंकि हमने ले ली है मिठाई। तो बस अभी फरहान और मैं यहाँ से निकलेंगे कपड़े लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मिठाई ली है, क्योंकि ये साइड पर पड़ता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पर लेने आ गई। तो गाइज अभी लेने लगी हूँ यहाँ से फ्रूट्स पापा की फातिया के लिए। आ गई हूँ मैं मॉडर्न वाले भैया के यहाँ, यहाँ से मुझे सूट लेने हैं। जेंट्स और लेडीज़ तो मैंने ले लिए हैं, और ये वाला सूट मुझे मम्मी के लिए अच्छा लग रहा था, ये वाला मम्मी के लिए कटवा रही हूँ। तो अभी मम्मी के लिए कटवा लिया है मैंने 5 मीटर, तो ले लिए मैंने। और अभी ये सारे कपड़े लगे हुए हैं भैया की शॉप पर। आपकी आवाज सुनकर उड़ गया बाजी है। तो देखें कितने ढेर सारे बनाना हम लोग लेकर आए हैं, दोनों माँ बेटों ने कर दी है सारी शॉपिंग। तो गाइस ले आए हैं सारा कुछ, और केले भी ले आए, इमरती ले आए, और जो घर पे फाते लगेंगे वो मिठाई भी ले आए हैं, इमरती और केले और समोसा। ये जाएंगे मस्जिद, तो वहाँ पर रोज़ा खुलवाएंगे अभी जी, और शरबत का उन्होंने बोल दिया है वहीं बनेगा रू अफ़ज़ा। तो अभी नकाब चेंज करती हूँ, फिर आती हूँ किचन में। देखिए मुझे उन्होंने तैयारियाँ करके रख ली हैं, और चावल बॉयल होने रख दिए हैं, चावल भी बॉयल हो रहे हैं, सांस फूल रही है। तो फटाफट से आती हूँ, और टाइम देखें कितना, देखें 5:15 बजने वाले हैं। वली मम्मा के आते ही वली मम्मा चिपकने लगा, सो गया था बाजी।
खा लिया और शुरू कर दिया। चल जल्दी से नगा उतार ले, कॉलम बनाएंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी दादा के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो गाइस फटाफट से बनाते हैं सब्जी, कुकर गर्म हो गया है, जल्दी से बनाते हैं, बहुत लेट हो चुकी हूँ, जल्दी जल्दी मैनेज करना है सारा कुछ। उसमें ने मटन वगैरह भी धोकर रख दिया है, मटन मसाला बनाऊंगी, मटन को रेडी कर दिया है उसमें धोकर। उसमें इसका ढक्कन का है अंदर है सर, वो आएगा जी। आटा लगाने लगी हूँ क्योंकि रोटियाँ साथ के साथ ही बनाऊंगी फातिया की, और सब्जी का मसाला बुन रहा है और ज़रदा हमारा रेडी हो गया है। ये प्रिपरेशन मेरी चल रही है जल्दी जल्दी कर रही हूँ हड़बड़ा के, ये लग रहा है कि टाइम से पहले रेडी हो जाए सारा कुछ, कोशिश मेरी यही रहती है। और अभी जी आ चुके हैं समोसे लेकर, वो समोसे लाने गए थे तो ले आए हैं, तो कुछ समोसे मुझे घर के लिए भी निकालने हैं अफ्तार के लिए, क्योंकि आज मैंने अफ्तार नहीं बनाया, मार्केट चली गई थी तो बहुत लेट हो गई, तो इसलिए। तो ये रहे गर्मा गर्म समोसे। अभी जो पचमेल मिठाई फातिया के लिए लाई हूँ वो जनाब और मम्मी को चेक करवा रही हूँ तो बस अभी जनाब को मिठाई चेक करवा दी है, जनाब और मम्मी दोनों को ही। तो गाइस सारा कुछ एक ही थैले में पैक कर दिया मैंने, इमरती भी रख दी और केला भी रख दिया है, बस अब रेहान रेडी हो रहा है जल्दी से, और फरहान को आज फीवर आ गया और वो रोजे से भी है तो वो नहीं जा रहा है मस्जिद, शानू और रेहान जाएंगे और अग्रजी भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेट हो जाएंगे इसलिए, तो वो घर पर ही इफ्तार करेंगे, तो मैं ये लेकर आती हूँ, फटाफट यहीं रख देती हूँ, वो ले जाएंगे। क्या रख रही हूँ मम्मी के पास, ही दोनों चाहिए मम्मी रखा। सब्जी को रख दिया है मैंने एक साइड पर गलने के लिए, और मैंने कर दिया है रोटियाँ बनाना शुरू, तो फटाफट करते हैं और रोटियाँ बनाने के बाद लगाऊंगी इफ्तार, क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम है, और इफ्तार के तुरंत बाद ही मैं फाते लगवा दूंगी। तो गाइस जब मुझे लेट हो रहा होता है ना तो मैं बहुत स्पीड में हाथ चलाती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, और मुझे डर लगा रहता है ऐसा ना हो कहीं मैं लेट हो जाऊँ और टाइम पर रेडी ना कर पाऊँ, तो बस अभी सारा कुछ मेरा टाइम पर ही है। और तो बस अभी मैं और उज़मा जा रहे हैं गार्डन से ताजे और फ्रेश गुलाब के फूल लेने के लिए फातिया के लिए। हाँ वाजी एक ही लगा। तो गाइस अभी आ गए हैं फूल तोड़ने के लिए, मैं इस साइड से तोड़ूंगी और उज़मा उधर वाली साइड से तोड़ेंगी। देखिए हमारी चिट्ठी हमने कल बनाई थी ना, बहुत बढ़िया बनकर रेडी हुए हैं। ये लो इसमें रखो जल्दी से, लो इसमें इसमें डालो डालो इसमें। गाइस मैंने रख दिया इस साइड पर इस हमारी फूलों की टोकरी को, कुछ फूल बासी हो गए ना उसमें झड़ने लगे, कुछ पत्तियाँ यूज़ कर लेंगे, यहीं यूज़ कर लेंगे। लो डालो कितनी लेंगे, इधर से और ले लो। हाँ तभी उसमें चिप्स उठा रही हैं, चिप्स भी पड़े थे हमें याद ही नहीं था, वो तो फूल लेने आ गए ना तो चिप्स का याद आ गया क्यों उसमें। चलो वो ज़्यादा मत दबाना ना तो टूट जाएंगे। तो ये देखें हमारे गार्डन में इस पतझड़ के मौसम ने कितनी कर दी है गंदगी, और ये पिंक कलर के सूट में हमारी उज़्मा लग रही है बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत खिल रहा है उज़्मा पर ये सूट। तो बस देखें कैसे भाग भाग के उज़्मा जल्दी से आ गई हैं अंदर और मैं भी आ चुकी हूँ। रम के आने का वेट कर रही हूँ, रम की भी प्लेट लगा दी है मैंने, तो वो आ जाएँ फटाफट से, तो वो हमें दे जाएंगी और अपना ले जाएंगी। तो बस अभी हमने इफ्तार लगाना शुरू कर दिया है, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है अल्लाह ताला उन लोगों को भी नवाजे जिनके पास नहीं है, अल्लाह ताला उनके भी रिज्क में खूब सारी बरकतें दें। तो बस गाइस यहाँ पर हमारा दस्तरखान लग चुका है और आज की इफ्तार में है अकेले समोसा इमरती और गाजर का हलवा, और निकाल लिया है मैंने ठंडा ठंडा कस्टर्ड। तो बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा कुछ मैंने दस्तरखान पर लगा लिया है, मैं बहुत लेट थी पर फिर भी मैं टाइम पर हूँ। तो बस अभी हम सभी लोग बैठ चुके हैं इफ्तार करने के लिए, और इफ्तार जो है वो सारा लग चुका है, और देखें हमारे जैद बाबू हम इतने भुलक्कड़ हैं खजूर रखना ही भूल गए, खजूर से रोजा खुलेगा। हेलो स्मार्ट बॉय
ये देखो टोपी निकल गई। अभी इसमें लेकर आ गई है खजूर, मम्मी के प्लेट में भी नहीं रखी। चलो तो बस गाइज रोजा जो है वो खुल चुका है, तो बस सभी लोग अभी अच्छी तरह से इफ्तार करेंगे और उसके बाद नमाज अदा करेंगे, फिर लगाएंगे फातिहा। हमारा ज़रदा रेडी है, गार्निशिंग भी कर दिया है मैंने, मावा वगैरह भी, बस मटन भी रेडी हो गया है, फटाफट लगाती हूँ फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और रहम और करम, अच्छे से इफ्तार हो चुका है। बस अभी लगा रही हूँ पापा के फातिहा के लिए खाना, तो बस पापा की छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटियाँ मैंने बनाई है, तो बस हम बल्कि लगा रही हूँ। और मम्मी और पापा दोनों का फेवरेट मीठा मैं लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ, दोनों का फेवरेट। तो देखिए गाइज, सोन पपड़ी पापा की फेवरेट, बूंदी का लड्डू भी पापा का फेवरेट, पेड़ा भी पापा का फेवरेट है, और इसमें गुजिया है, ये चाशनी की वजह से उन्होंने पॉलीथिन में रैप कर दिए, ये भी पापा के फेवरेट, और ये गुलाब जामुन, और ये रबड़ी मम्मी की फेवरेट। तो ये सारा कुछ मैं भी फातिहा में रखवा रही हूँ। गाइज हमारे पापा आम भी बहुत पसंद करते थे, तो मैं आम भी लेकर आई हूँ पापा के लिए, वो भी काट दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा शौक से खाया करते थे ये सारी चीज़ें। और गाइज आप लोग हमारे पापा की मफ़रत के लिए और जन्नतुल फिरदौस में ऊँचे से ऊँचे आला से आले मकाम अता करने के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में वो ऊँचे से ऊँचे आला से आला मकाम अता करें, ये दुआ ज़रूर करिएगा पापा के लिए। तो फिलहाल अभी फातिहा लगवाने के लिए लगा देती हूँ मैं ये सारा कुछ। गाइज लगा दिया है सारा कुछ, पापा के फेवरेट चीज़ें मैंने, और मटन पापा बहुत शौक से खाते थे, तो मटन भी मैंने पापा के लिए स्पेशली बनाया है, और मटन पे तो फातिहा भी लगती है इसलिए। तो बस अभी सारा कुछ पहुंचाती हूँ मैं। मम्मी देखना इसमें कोई कमी तो नहीं। तो बस अभी मम्मी को चेक करवा दिया है और ले आई हूँ सारा फातिहा का खाना लगवा कर, और एक बार मम्मी को चेक ज़रूर करवाती हूँ। तब तक शानू को दे देती हूँ, वो भी आ गए हैं मस्जिद से लौट कर। ले शानू, ले शानू भी आ गया है। ये देखें, ये दोनों के दोनों मस्जिद जाकर लौट आए हैं, और घर पर आकर रेहान ने इफ्तार घर पर किया है, शानू को मैंने अब दिया है। आज घर का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मार्केट का है। दादा के पोतों में हुआ इजाफा, एक और पोते ने एंट्री की है। हाँ फातिहा लगा रहे हैं। आप क्या बता रही थी, सवा लाख कल में दो कोने पाक, 1,26,500 कल में, 4,200 शरीफ, 11,000 कुर्सी, 2,000 शरीफ, और जो भी खाना पीना जो सवा गया है, मिठाई वगैरह से भी सब्जी वगैरह सफा गया है, कुछ भी पीस के लिए सबका सामने आखा। तो बस गाइज यहाँ पर पापा की बरसी की फातिहा के साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो बस गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखें हमारे जैद बाबू की खिलखिलाती हंसी। तो बस गाइस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।